अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज़ नासिरा शमीर। रमज़ान के मुबारक के महीने में आज तीसरा रोज़ा है। मैं इस ब्लॉग में इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, आप भी देखो प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने की राइस। पुदीना के राइस के लिए इंग्रेडिएंट्स एक बार देखो। एक बड़े साइज़ वाले ऑनियन, 2-3 सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता, 10 काजू, जीरा, पुदीना, नमक, ऑयल, मीडियम साइज टमाटर चॉप करके साइड में रख ली हूँ। पुदीना 2-3 टाइम्स पानी में अच्छा सा धोकर रख ली हूँ और उसको पेस्ट बना के साइड में रख लेना है। देखो हमारा पेस्ट तो बन गया है। अब मैं एक कढ़ाई ली हूँ और एक बड़ा चम्मच से ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसमें जाएंगे ऑनियन। ऑनियन गोल्डन ब्राउन आना है जी। छोटा चम्मच से एक चम्मच जीरा डाली हूँ जी। अब इसमें शामिल कर रही हूँ काजू। अच्छा सा रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी एमी बनती है हमारी पुदीना राइस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद से खाते हैं स्वीट कॉर्न। आप तो ऑप्शन है, डालना है तो डालो, नहीं तो नहीं डालना है तो नहीं, मगर स्वीट कॉर्न डाले तो टेस्ट और बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनती है हमारी पुदीना राइस। आप ज़रूर से ट्राई करो, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी है। स्वीट कॉर्न हल्का सा पक गए है तो उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर। अब मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर अच्छा पका लेना है जी, टेस्ट तो बहुत ज़्यादा एमी और स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाएगी। अब डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, सॉल्ट, आपके टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। टमाटर अच्छा पके है तो मैं अब ऐड कर रही हूँ पुदीना पेस्ट, जो हम वीडियो स्टार्टिंग में पेस्ट करके रख लेना, तो वो पेस्ट अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पेस्ट डालने के बाद 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही पका लेना है जी। उसके बाद हम ऐड करेंगे चावल। मैं बाजू में पका के रख ली हूँ चावल, वो अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ। देखो अच्छा सा मिक्स कर लेना है। टेस्ट तो बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप भी ज़रूर से ट्राई करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ये रेसिपी तो कैसा बनी है। अब मैं उबाल रही हूँ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो तो 2-3 टाइम्स पानी में अच्छे से धो लेना है और ऐसा कट कर ली हूँ। कुकर में डालकर एक गिलास पानी डालकर 2 विजल्स आए तक पका लेना है उसको। और साइड में ले रही हूँ बेसन, मिर्ची डाल रही हूँ, मिर्ची पकौड़ा, बज्जी भी बोलते हैं, आपके पास क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करो। बेसन को तो अच्छा सा झल्ली में छान कर लो, नहीं तो लुंडे होकर पे थोड़ा अनइजीटी रहता खाने में लिए। तो मैं अब ऐड कर रही हूँ सॉल्ट।
उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून सोडा डालकर पानी डालकर अच्छा सा मिक्स कर लेना है। उतना गाढ़ा नहीं, उतना पतला नहीं, ऐसा मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करो। एक ही बार बहुत ज़्यादा पानी डाल दे तो पतला हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाओ, मिक्स करो। जब भी मिर्ची इसमें लगती ना, तो मिर्ची को वो जो बेसन का आटा है वो लगना है, जब भी परफेक्ट बनता है हमारा पेस्ट। जैसा मैं दिखा रही हूँ देखो, इतना परफेक्ट है। ऐसा बना लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अब मैं मिर्ची ली हूँ और इसमें दो काट ली हूँ। इसके बाद ऑयल गरम होने के लिए लग दी हूँ। ऐसा ही एक एक करके मैं डाल दे रही हूँ। थोड़े मिर्ची भजी डाली हूँ और थोड़े आलू भजी डाली हूँ। ये पेस्ट में दो भी मिक्स कर डाली हूँ। मैं इतना मसाला नहीं डाली हूँ क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो इसलिए इतना ज़्यादा मसाला मैं यूज़ नहीं करी हूँ। आलू के भी स्लाइसेस भी काट के रख ली हूँ साइड में। ये होने के बाद आलू की भजी भी डाल देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे कितने सुंदर से है मेरे मिर्ची भजी। आप भी कहो माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप डाल रही हूँ आलू भजी। आलू भी भजी बनकर रेडी हो गई है, तैयार हो गई है हमारी। अब मैं बना रही हूँ कर्ड राइस। राइस ली हूँ और थोड़ा दही डाली हूँ उसमें, अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और थोड़ा नमक डाली हूँ और थोड़ा दही सूखा सूखा रहा तो और थोड़ा दही डाली हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंगूर। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है हमारी कर्ड राइस और ऊपर से प्रोमोग्रेनेट सीड्स। एक बार कर्ड राइस ऐसा भी बना के खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी और एमी बन। आज की तो रेसिपी इतनी है।
तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। दैट इज़ नासिरा शामिर। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।